हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जनजाति के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जाट जनजाति के बारे में। जाट जनजाति के से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है, मैं दो जनजातियों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, गद्दी जनजाति और खंपा जनजाति। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर जो है हिमाचल प्रदेश जनजाति के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जो है आप देख सकते हैं गद्दी और खंपा जनजाति को। आज बात करेंगे जाट जनजाति के बारे में, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, और जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी है, ये सभी को आपको पता होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिए है या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप घर बैठे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन चला है तो सभी जो है वो घर से तैयारी कर रहे हो, तो आप परीक्षा ऐप पर जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और हिमाचल जीके और करंट अफेयर सभी कॉमन एग्जाम्स के लिए जो है आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आप एचपी जीके का जो है मतलब एचपी मॉक टेस्ट का पास भी ले सकते हो, एचपी वन पास, जिसमें आपको सारे जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कूपन कोड आपको यूज करना है जीके स्टडी 40, जिससे आपको जो है वो डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, यानी कि जाट कौन है, कहां से आए हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो खंपा वाली वीडियो बात करी थी, जिसमें हमने खंपा जाति डिस्कस करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि खंपा वो लोग होते हैं जो तिब्बत से आए हैं, बट वो एक जगह पर नहीं रहते हैं, यानी कि घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। बात करें अगर जाट की, तो ये भी सेम ही है कि जो तिब्बत भारत की सीमा में, जो तिब्बती लोग भारत की सीमा में आकर रहने लगे हैं, उन्हें जाट का नाम से जो है वो जाना जाता है। खंपा और जाट में एक ही डिफरेंस है, खंपा जो है वो घूमकर जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि एक जगह पर स्टे नहीं करते हैं, होते वो भी तिब्बती हैं। और बात करें जाट की, तो ये भी तिब्बती हैं जो भारत की सीमा में आकर रहने लगे हैं, बट इनका एक पर्टिकुलर स्थान होता है, ठीक है। तो जहां पर ये रहते हैं उस प्रदेश को कहा जाता है आपका हांगरन, ठीक है। किन्नौर के अंतर्गत ये आपका क्षेत्र आता है, एरिया जो है वो किन्नौर के अंतर्गत आता है, हांगरन कहा जाता है, जहां पर आपकी जाट जनजाति जो है वो निवास करती है। अगर इनकी भाषा की बात करें, तो मेनली इनकी भाषा जो होती है वो आपकी तिब्बती होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने। तो तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए जाट पहले क्या करते थे कि गो और याक को खा जाते थे, बट फिर क्या करा कि बुशहर का जो राजा था उसने उनको ऐसा करने पर मना किया, और उसके बाद ये प्रथा जो है यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है। बात करें अगर हांगरांग के जाट की, तो ये अपने आप को तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते, ठीक है। एक और बात मैं पहले एडवांस में कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मतलब स्पेशली जो अपर साइड के हैं, किन्नौर साइड के जो भी कैंडिडेट हैं, वो ये बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो बुक्स वगैरह में लिखी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हमें उस साइड के बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि जब गए ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं। तो जितना भी बुक्स में लिखा होता है वही चीजें जो है आपको प्रोवाइड की जाती है दो चार बुक्स में, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ अलग से पता है, ठीक है, तो वो कमेंट कर सकता है, बट एक प्रॉपर तरीके से आप पूरा कमेंट कर सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो परिचय में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तिब्बती से भारत की सीमा में जो लोग आकर रहने लगे हैं, एक तरह से शरणार्थी, उनको जाट के नाम से जाना जाता है। इनके प्रदेश को हांगरंग कहा जाता है, जहां पर ये रहते हैं। इनकी भाषा तिब्बती है, ठीक है, और ये जो है अपने आपको तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। अब ये चीजें आपके एमसीक्यूज में जब आपको प्री होगा वहां पर काम नहीं आती है, ये तो आ जाएगी आपके, ये पूछ लिया जाएगा कि कहां इनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है या फिर इनकी भाषा कौन सी है। बट अगर आप मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एलाइड के मेंस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आ जाता है कि जाट जनजाति के बारे में लिखे, तो आपको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका परिचय। बात करते हैं अगले की हांगरंग प्रदेश, ठीक है। हांगरंग के बारे में आपने पढ़ा कि हांगरंग में जो है वो जाट जनजाति निवास करती है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह एक पर्वतीय भाग है, ठीक है, पर्वतीय भाग है, यहाँ पर पर्वत वगैरह ज्यादा मिलते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटा होने पर भी यह भारतीय सीमांत का सबसे दुर्बल और राजनीतिक नजर से सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर आप पॉलिटिकल व्यू से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, बट अगर यहाँ की सुख सुविधाओं को आप देखें, यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज है उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। सड़कें यहाँ पर आपको कम मिलेंगी, ठीक है, फैसिलिटीज आपको यहाँ पर कम मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कमजोर माना जाता है। अगर बात करें हांगरंग प्रदेश की, तो इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो पुरग्यूर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा शिखर इस एरिया का कौन सा है, पुरग्यूर, और यहीं पर जो है पुरग्यूर देवता को भी माना जाता है, शिखर के नाम पर ही जो है वो देवता का नाम है। 22,000 फुट के लगभग जो है इसकी ऊंचाई है। अगर बात करें हांगरंग प्रदेश कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो स्पीति नदी के जो है वो दोनों तरफ ये प्रदेश आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो पहले इन चार
पॉइंट को दोबारा से हम रिपीट करेंगे। इनमें सिंपल सी आपको दो ही चीज याद रखनी है कि हांगरंग प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पुरग्यूर है, जो कि 22,000 फुट के लगभग है, और यहाँ पर जो है देवता भी पुरग्यूर होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे बसा है, स्पीति नदी के दोनों किनारों पर जो है हांगरंग प्रदेश बसा है। सबसे कम ऊंचाई पर आबादी, यानी कि इसमें सबसे कम ऊंचाई पर कहां पर जो है वो कौन सा गांव है जहां पर सबसे कम ऊंचाई पर आबादी है, तो वो है आपका लियो, ठीक है। फिर क्या है, इसके पश्चिम में सुनमे गांव है जो किन्नर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक आपका किन्नर प्रदेश भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके पश्चिम में जो है वो सुनमे गांव है। हारंग का सबसे बीच का गांव जो है वो नाको है, यानी कि बिल्कुल हारंग का अगर मान लीजिए ये एरिया है तो इसके सेंटर में जो गांव पड़ता है वो नाको पड़ता है। सबसे बड़ा गांव, ठीक है, वो आपका चांगो है, और सबसे छोटा गांव जो है वो सुमरा है, ठीक है। तो तीन चार आपके गांव आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये पूरा एरिया है, तो सबसे कम ऊंचाई पर जो इसमें गांव स्थित है यानी कि जहां पर आबादी है वो आपका हो गया लियो, ठीक है जी। उसके बाद सेंटर का जो गांव हो गया वो हो गया आपका नाको। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हो गया वो हो गया आपका, मतलब सबसे ऊंचाई पर नहीं सॉरी, सबसे बड़ा गांव जो हो गया वो आपका चांगो हो गया, जहां पर आबादी भी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे छोटा जहां पर सबसे कम आबादी होगी वो होगा आपका सुमरा, ठीक है जी। अब बात करें हांगरांग की, तो यहाँ पर लामाओं का धार्मिक प्रभाव ज्यादा है, यानी पर ज्यादातर यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो लामाओं का प्रभाव भी जो ज्यादा है, और यहाँ के लोग जो है वो भूत प्रेत में भी ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप फसलों की बात करें तो यहाँ पर फसलों में आपको जो है वो व्हाइट कलर के कपड़े देखने को मिलेंगे जिन पर मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है, जो कि फसलों की रक्षा करते हैं। इस तरह का जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि भूत प्रेत में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये था आपके हांगरंग प्रदेश के बारे में, जिसमें आपको पता होना चाहिए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सबसे कम आबादी मतलब ऊंचाई पर आबादी कहां पर है, ठीक है, सबसे बड़ा गांव कौन सा है, सबसे छोटा गांव कौन सा है, और सबसे बीच का गांव कौन सा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाकी एक और बार आप रिवाइज करोगे तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। अगले की बात करते हैं जाट संस्कार और संस्कृति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो भी जाट में जो भी काम होते हैं या फिर हांगरांग में जो भी काम होते हैं वो सभी लामाओं के आदेश पर होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि लामाओं का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है, तो लामाओं के आदेश पर होते हैं। इनका प्रमुख धंधा जो है वो खेती करना है, यानी कि प्रमुख व्यवसाय इनका खेती करना है, उसके साथ साथ ये पशुपालन भी कर लेते हैं, यानी कि सहायक उद्योग यानी कि सहायक काम के तौर पर तो ये पशु भी पाल लेते हैं, ठीक है। जिस घर में जितने अधिक पुरुष होंगे वह उतना ही अच्छा समझा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है कि जो आपका जाड आपकी जनजाति है वहां पर बहुपति प्रथा है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे भाई और एक ही पत्नी, बहुपति प्रथा है। तो जिस घर में जितने अधिक पुरुष होंगे वह उतना ही अच्छा समझा जाता है, सभी भाई एक ही पत्नी के साथ जो है बंधकर एक ही घर पे जो है वो रहते हैं, ठीक है। पांच भाई होंगे तो पांच भाई की एक ही पत्नी होगी, बहुपति प्रथा है। और इसके पीछे एक कारण है जो कि वहां पर माना जाता है कि अगर मान लीजिए पांचों भाई जो है वो अलग अलग शादी कर लेते हैं तो पांचों जो है वो अलग अलग रहना शुरू कर देंगे और अलग अलग मैदानी इलाकों में जाकर जो है वो बस जाएंगे। तो इसके चक्कर में क्या है, यहाँ पर बहुपति प्रथा है, तो पांच भाई होंगे तो उनकी एक ही पत्नी होगी, जिस कारण जो है वो एक ही घर में बंधकर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, बहुपति प्रथा के कारण यहाँ बहुत सारी लड़कियां जो है वो कुंवारी रह जाती है। अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अब पांच अगर पर्सन एक लड़की से शादी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो लड़की के कुंवारे रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी लड़कियों को तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। जो लड़कियां यहाँ पर कुंवारी रह जाती है उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली लड़कियां कौन सी होती है, सबसे पहली लड़कियां ऐसी होती है जिन्होंने सोच लिया है कि वो शादी नहीं करेंगी और साथ साथ जो है वो धर्म की दीक्षा लेगी, यानी कि वो लामाओं की शरण में चली जाएंगी। तो वो क्या करती है, लामा जी के उपदेश से अपने सिर को मुंडवा लेती है, यानी कि बाल कटवा लेती है और थोड़ा बहुत जो है वो धर्म का प्रचारण करती है। ऐसी लड़कियों को जो है वो जोमो कहा जाता है, ठीक है। और ये लड़कियां क्या करती है, गुरु की दीक्षा के रूप में माला धारण कर लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोमो किसको कहा जाता है। जोमो यहाँ पर जो आपका हांगरंग प्रदेश है यहाँ पर दो चीजों को जोमो कहा जाता है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, सबसे पहले हो गया लड़कियां, लड़कियां कौन सी जो कि आपका जिन्होंने शादी नहीं करनी है और लामा जी के उपदेश से उन्होंने सर मुंडा लिया और धर्म का प्रचारण करने लगी, तो वो जोमो कहलाती है। दूसरी लड़कियां कौन सी होती है, ऐसी लड़कियां जिन्हें शादी होने की थोड़ी बहुत आशा है, तो वो क्या करती है, मेले में जाती है, त्योहारों में जाती है और वहां कोई ऐसा व्यक्ति देखती है कि जिनके साथ उनका विवाह हो सके, ठीक है, फिर बातचीत होती है और उसके बाद शादी हो जाती है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी वो होती है कि विवाह की उनकी कोई भी आशा नहीं होती, यानी कि उनके कोई चांसेस, वो उन्होंने शादी करने का डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने सोचा है कि वो कुंवारी रहेंगी, बट वो क्या करती है, वो जोमो नहीं बनती है, यानी कि वो अब लामा के आदेश पर अपना सर नहीं मुंडाती है, वो सिंपली अपना जीवन व्यतीत करती है। तो थ्री टाइप से जो है वो यहाँ पर लड़कियों को डिवाइड किया गया है। जोमो इनमें से सिर्फ आपको जोमो, अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हो, प्री की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जोमो याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले की,
पुरुष खेत में जो है वो हल चलाता है। अगर इनके काम की बात करें तो पुरुष जो आपके मेल होते हैं वो हल चलाते हैं और जंगल से लकड़ी लाते हैं, बाकी जो भी खेत से रिलेटेड काम होते हैं, गुड़ाई, फसल की कटाई, वो सब काम जो है वो स्त्रियां करती है। ठीक है, ज्यादातर माता पिता अपनी लड़कियों को जो है वो जोमो बनाना पसंद करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि 5 भाइयों की एक पत्नी है, तो वो क्या होता है कि जो लड़की का जीवन होता है वो एक तरह से दासता का जीवन होता है, यानी कि उसको सिर्फ काम ही काम करना है, खेतों में काम करना है, घर पे काम करना है। तो ज्यादातर माता पिता क्या सोचते हैं कि वो उनकी लड़कियां जो है वो जोमो रहे, ठीक है, इसके कारण जो है वो घर पर ही रहती है और उनको कहीं अलग से भेजना भी नहीं पड़ता। बड़ों के आदर सत्कार की अगर बात करें तो जीभ निकालकर जो है बड़ों का आदर सत्कार किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या देखने को मिला, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट आप किसी एक्से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्री की, तो जोमो किसको कहते हैं, अगर मतलब लड़कियां सिर मुंडा लेती है तो उनको किस नाम से जाना जाता है, जोमो के नाम से। ठीक है, जीभ निकालकर यहाँ पर आदर सत्कार किया जाता है। ठीक है, पुरुषों का काम हल चलाना है और स्त्रियों का काम बाकी सारे खेत से जितने भी खेत में काम होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, कौन करता है, स्त्रियां करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेशभूषा की। ठीक है, वेशभूषा में सबसे पहले यहां पर मैंने दो कैटेगरी में बांट लिया है, मेल और फीमेल। बात करते हैं फीमेल, फीमेल क्या करती है, ऊन की धोती पहनती है, चोली पहनती है और सर पर एक टोपी होती है। ठीक है, अगर फीमेल्स की वेशभूषा की बात करें, नाक में एक छोटा सा चांदी का भूषण होता है या फिर आभूषण होता है, या फिर आप जो भी चांदी का कोई आपका हो गया, ठीक है, आभूषण टाइप, और चोली पर चांदी का बटन होता है, यानी कि चांदी के आभूषण जो है वो ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं, सोने वगैरह के कम ही यूज होते हैं। तो नाक में छोटा सा चांदी का भूषण और चोली पर चांदी का बटन। मेले और त्योहारों में जाने के लिए कान, ये कान है, कान और गले के लिए बड़े बड़े चांदी के आभूषण होते हैं, यानी कि जैसे आप लोग शादी वगैरह में जाने के लिए अलग से गहने वगैरह रखती हैं, स्पेशली लड़कियां, तो उसी तरह से ये मेले और त्योहारों में जाने के लिए जो है वो अलग से आभूषण रखती है। ठीक है, गले में मूंगे मनके की माला होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और चोली के ऊपर जो है ये ऊनी चादर लेती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो फीमेल की वेशभूषा है। मेल की बात करें तो ऊनी पजामा होता है, खुला ऊनी कोट होता है, सर पर ऊनी टोपी होती है और पाँव में ऊनी जूता होता है, यानी कि ये ऊन से पूरे कवर होते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। तो ये थी इंपॉर्टेंट वेशभूषा, बाकी ज्यादा कुछ इनमें ये नहीं है जैसे दूसरी जनजातियों में होता है कि स्पेशली किसी कमीज को किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे हमने खंपा में देखा था, या फिर किसी और नाम से इसको पुकारा जाता है। ये सिंपल सा ही है, फीमेल ये चीजें पहनती है और मेल जो है वो ये चीजें पहनते हैं। बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हांगरंग में शराब पीने वाली स्त्रियां भी मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर औरतों के द्वारा भी जो है वो शराब का सेवन किया जाता है। स्थानीय शराब को छांग कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा, जौ और अन्य अन्न को मिलाकर जो उनको सड़ाकर जो है वो शराब बनाई जाती है, अखरोट वगैरह भी इसमें डाले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि छांग जो है वो इंपॉर्टेंट शराब होती है। गुफा और बौद्ध मंदिर हर गांव में मिलते हैं, मूर्तियां ज्यादातर जो है वो मिट्टी की बनाई जाती हैं। उसके अलावा ध्यान मगन मुद्रा, आपने बुद्ध की एक प्रतिमा देखी होगी जिसमें वो ध्यान अवस्था में होते हैं, यानी कि ऐसी पोजीशन में होते हैं जिसमें वो ध्यान लगा रहे हैं, तो उस टाइप की मूर्तियां जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। गुफाओं में टाशीगंग, टाशीगंग का नाम आपने सुना होगा, अगर सुना है तो कमेंट करके बताइएगा क्या टाशीगंग में है, कि गुफा सबसे प्रसिद्ध और पुरानी है। ठीक है, तो ये जो है दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं पुरग्यूर के देवता के बारे में। अब पुरग्यूर क्या है, सबसे बड़ा शिखर है, अब उसी को ही जो है वो देवता माना जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हांगरांग में जो है वो एक कहावत है, रिगयल्वो पुरग्यूर, ठीक है, यानी कि ऊंचे शिखरों का राजा जो है वो पुरग्यूर है, वहां पर माना जाता है हांगरंग। कैलाश के शिखर को हांगरंग वाले जो है वो रलदंग कहते हैं। रलदंग का मतलब होता है प्रेतों की सभा स्थान, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर भूत प्रेत होते हैं वो अपनी मीटिंग करते हैं, उसको रलदंग कहा जाता है। तो हांगरंग वाले कैलाश के शिखर को रलदंग कहते हैं। इस शिखर पर जो आपका पुरग्यूर है उस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ सका। इसका ऊपर का भाग जो है वो गोल है और इतना चिकना है कि उस पर कभी बर्फ नहीं टिकती है, यानी कि आपको उस पर उसके टॉप पर जो है वो बर्फ नहीं मिलेगी। यह देवता जो आपका पुरग्यूर का देवता है ये धर्म का देवता माना जाता है और यहाँ की भेड़ बकरियों को रोगों से मुक्त करता है, इसलिए यहाँ के लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है। यहाँ के लोग इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि पुरग्यूर का देवता जो है यहाँ की भेड़ बकरी को बचाता है, फसलों को बचाता है, धर्म का देवता कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये बदले में कुछ नहीं लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा माना जाता है और ये भी माना जाता है कि कैलाश के श्राप के कारण जो है इसके ऊपर बर्फ नहीं टिकती। ठीक है, तो रलदंग याद रखिएगा, बाकी ये जरूरी नहीं है कहावत वगैरह आपको याद रखने के लिए, बाकी ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, जहां से अगर आप प्री वगैरह की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो जो है मेन मेन जो पशु होते हैं आपके वहां पर सभी जानवर यूज किए जाते हैं, बट याक भी जो है वो
अच्छे से वहां पर जो है यूज किए जाते हैं। तो याक की मादा को जो है वो आपका डीमो कहा जाता है वहां पर, तो ये चीज याद रखिएगा। याक तो याक ही है, याक की मादा डीमो कहलाई जाती है। अगर याक जो आपका तिब्बती याक होता है प्लस आपकी भारतीय गाय अगर उसकी जाति को मिलाया जाए, ठीक है, तो उससे बनती है आपकी जोफो, ये आपका मेल होता है और जोमो होती है आपकी फीमेल, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि किस में जोमो की बात कर रहा था, ठीक है। तो जोमो आपको जो है वो अगर दोनों तरफ से अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में आता है तो आप दोनों में से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़कियों के बारे में पूछा गया है जो सिर मुंडा लेती है, या फिर आपकी इनके बारे में पूछा गया है जो नई प्रजाति है। तो गाय और याक से बनी नई प्रजाति होती है जोफो और जोमो। जोफो हो गया मेल, जो भी कई बार कहा जाता है इसको, ठीक है, तो देख लीजिएगा, और जोमो होता है फीमेल। अब डीमो है याक की मादा, और अगर बैल, इनको अगर आपस में कंबाइन किया जाता है तो इनसे जो नई प्रजाति बनती है वो बनती है गजरा, ठीक है, और इसको सबसे अधिक बलवान पशु जो है वो माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें अगर जोफो की तो 11,000 फुट से नीचे वाले प्रदेश में ये नहीं रह सकता, जहां बकरी भी नहीं चढ़ सकती। आपको पता होगा जो भी लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं कि बकरियां ऐसी होती है कि हर जगह चढ़ जाती है, तो जहां बकरी भी नहीं चढ़ जाती वहां पर जोफो जो है वो भारी बोझ लेके के साथ भी पहुंच जाता है। इसके शरीर पर लंबे बाल होते हैं और इसे शिव जी का बैल भी समझा जाता है, और इनकी आवाज जो है वो बड़ी भयानक होती है, और वहां पर खेती में जो हल चलाया जाता है वो भी आपका जोफो से चलवाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी आपको कि याक प्लस गाय जोफो और जोमो, डीमो प्लस बैल गजरफ, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि हांगरंग के जो जाड़ होते हैं उनको पांगी और लाहौल में भोट कहा जाता है, तो ये भी चीजें भी जो है आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, और इतने ही अगर आप पढ़ लेते हो तो अगर आपसे जो है वो जाट जनजाति से कुछ भी पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसको करेक्ट करोगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी शेयर इसको जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।